People out there, this is Vinay Panekar and मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसके लिए बनाया क्योंकि just because अगर ये टाइम प्रोडक्ट मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था. एक्चुअली उसकी स्किन बहुत डार्क एंड कॉम्प्लेक्शन से भरी हुई है, तो शी टोल्ड मी दैट व्हेनेवर आई यूज टू गो टू अ पार्टी और व्हेनेवर आई प्रिपेयर अप फॉर अ फेस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो मैं रागा रिटाइन फेस्ट को यूज करती हूँ. तो शी बीइंग अ फीमेल आई वॉज लाइक it would work on your skin more effectively because you have a girl skin and something like that, and my skin is like quite a bit heavy, so I thought कि मैं मेरे friend को recommend करता हूँ, सबसे पहले एक male friend को जो लगाता है इस चीज़ को, and मैं देखता हूँ उसके skin में कितने effectively ये work करेगा, उसके बाद में मैं उसको खुद use करूँगा. तो जब मैंने उसको recommend किया कि भाई तू use करके देखो, मुझे बता कि तेरे को कैसा लगता है ये product, guess what, उसकी skin इतनी glow up हो गई, इतना effectively shine मारा उसका face कि मुझे लगा कि भाई मुझे भी इसको लगा के आपके सामने review रखना चाहिए, because we guys are like, you know, अपन college going students हैं, अपनों को थोड़ा बहुत fairness चाहिए, या तो you know, we attend parties, या we do some cultural activities, इसमें अपना face बहुत खराब हो जाता है. ये सब events के time पे हमको ही क्या करना चाहिए कि अगर अपना face खराब हो जाता है, tan भी पड़ जाता है, या when we go to beach side or something like that, तो हम लोग को टैन स्किन रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला एक रागा डिटैन यूज करना चाहिए. तो आई एम गोना बी यूजिंग इट राइट नाउ एंड बीन शोइंग टू यू कि इसका इफेक्टिव यूज कैसा करा जाना चाहिए और इसका इफेक्टिव यूज कैसे आपके स्किन पर दिख के आएगा. ऑलराइट, सो बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर दैट यू हैव वॉश योर फेस क्लियरली, आपका फेस एकदम अच्छे से धुला हुआ हो और आपको बर्फ पहला लगाना है. ऑलराइट, लाइक आपको आपके स्किन को थोड़ा लूजन करने के लिए आपको पहले से उसके ऊपर बर्फ स्क्रब करना है, अच्छे से सॉफ्टली स्क्रब करना है, आपके हर एक कोने में बर्फ लगना चाहिए और एकदम स्किन के पोर्स खुल के आना चाहिए और आपका फेस जो है एकदम एनलाइट करना चाहिए. ये स्किन बोल रहा हूँ, ये टैन क्रीम लगाने के पहले. ऑलराइट, तो मतलब हर कोने में आपको बर्फ भर भर के लगाना है. बर्फ जब से मैंने यहाँ पे ला के रखा हूँ तब से वो पूरा पिघल गया, तो मैं ऐसे ऐसे करके इसको हार्शली लगाने वाला हूँ. आप ऐसा मत करना, आप मेरी वीडियो देखते देखते इसको लगा सकते हो. ऑलराइट, अगर आपको एकदम फटाक से फुल पार्टी के लिए रेडी होना है और आपके पास यू नो पार्लर जाके अपने आप को टचअप देने का टाइम नहीं है, लाइक बॉयज़ लोग के भी बहुत सोचने रहते हैं यार, ब्लीच व्लीच करते हैं ये सब करते हैं, तो करने का टाइम नहीं, तो अपने आपके आप अपने आप फेस को क्या कर सकते हो, इजीली घर पे बैठे बैठे रागा रिटैन लगा के 15-20 मिनट छोड़ के उसको क्या कर सकते हो, ग्लो अप लाने के लिए मदद कर सकते हो. ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको क्या करने का, आपके फेस को पूरा बर्फ से अच्छा हर कोने में मसाज करके स्किन को लूज कर लेने का आपकी. तो इस तरीके से आपकी स्किन लूज हो गई, पूरा बर्फ आपने लगा दिया पूरे फेस के ऊपर. ये आपका फेस पूरा एकदम क्लीन हो गया बर्फ से, सॉरी आपका जो स्किन है एकदम लूजन हो गई. अभी उसको आप अच्छे से वाइप कर लो एक टिश्यू लेके या तो कोई एक कपड़ा लेकर, लेकिन टेक अ रेगुलर हैंडकरचीफ व्हिच यू यूज टू इन योर डे टू डे लाइफ एंड उससे आप वाइप कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि चोचले करना, टिश्यू विश्यू लेके पोंछना, दिस इज जस्ट टू मेक द वीडियो इंटरेस्टिंग. आई एम यूजिंग टिश्यू पेपर, दैट्स नो सच थिंग कि आपको टिश्यू लेके करना है. ऑलराइट, तो आपने इस तरीके से आपके फेस को बहुत अच्छे तरीके से ऐसा वाइप कर लिया, पूरा स्किन आपका एकदम सॉफ्ट हो गया, आपको ऐसा फील भी होगा एंड स्किन थोड़ा ठंडा भी हो गया है. अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपके रागा डिटैन के पैकेट को ऐसा लेने का है. ऑलराइट, और इधर पे देखो ऑलरेडी लोग एक फटने वाला वो देते हैं, तो सबसे पहले इसको पूरा नीचे कर दो. एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, इसके लिए आपको डेफिनेटली लाइक और कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपके फेस पे इसका इफेक्ट कैसे आया और आपने इसको किस तरीके से अप्लाई किया. ऑलराइट, इसको ऐसा फाड़ने का, अगर अच्छे से नहीं फटेगा तो दांत का यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम वब्लम नहीं है उससे. ऑलराइट, तो अभी इसने आपको आपने इसको निकाला एंड इसको पूरा ऐसा ना ऐसा कटोरी लेके उसमें डाल देने का. ऑलराइट, कांच की कटोरी नहीं रहेगी तो भी चलेगा, ये जरा यूट्यूब के चोचले रहता है ना, इसके लिए कांच की कटोरी दिखाना पड़ता है. एनीवेज, यू कैन पोर दैट इनटू अ डिश और इनटू अ नॉर्मल स्टील बॉल आल्सो. ऑलराइट, यू जस्ट हैव टू पोर इट आउट. ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा निकालो, आप आधा भी निकाल के रख सकते हो क्योंकि नेक्स्ट टाइम आधा काम आ सकता है, वी इंडियंस यू नो. सो ऑलराइट, आपने अगर इतना इतना भी निकाला है फर्स्ट टाइम के यूज़ के लिए तो दैट्स इनफ. आपको क्या करना है, आपको आपके फेस पे इसको पूरा ऐसा अप्लाई करना है. कैमरे में मैं दिख रहा हूँ अपने आप को एंड इट्स गेटिंग अप्लाइड वेरी प्रॉपरली ऑन माय फेस. ऑलराइट, तो आपको इसको एकदम जेंटली आपके फेस पे रब करना है, इधर पे ऐसा रब किए, इधर ऐसा रब किए, पूरा आपके फेस को रब करना है इधर पे. इसका स्मेल बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है,
स्मेल बहुत ही वियर्ड है, तो आप नाक के ऊपर पट्टी बांध के भी इसको लगा सकते हो. वेल दैट इज इम्पॉसिबल स्टिल. ये आपने इसको ऐसा लेके पूरा वन साइड आपके स्किन पे लगाया, अभी आपको क्या करने का है, इसको आपके अपोजिट साइड भी लगाने का है. और इसको ये ध्यान रखना कि आप जब इसको स्किन पे अप्लाई करोगे तो उसके बाद में आप इसको 15 से 30 मिनट्स तक का सूखने दो. ऑलराइट, किसको? इसको. वेरी गुड. जैसे आपका 15 मिनट्स हो जाएगा, आपको एक बाउल में पानी लेना है. ऐसे एक स्मॉल से बाउल में पानी लीजिए. अगर आपको डेफिनेटली टेस्ट करना है कि आपने कितना गंदगी आपके फेस से रिमूव किया है, तो मैंने एक बाउल लिया है और मैंने एक टिश्यू लिया है. टिश्यू को लेके आप उसको बीच में से टेयर कर दीजिए एंड उसके बाद में आप उसको अप्लाई करिए आपके फेस के ऊपर और कचरा निकालिए. ऐसे करके आप उसको स्किन पे से ऐसा निकाल सकते हैं. अल्टीमेटली आप इसको ऐसा निकालने से अच्छा एक काम कर लीजिए, बाथरूम में जाके नहा ही लीजिए. नहाने के टाइम पे ये बहुत इजीली और इफेक्टिवली निकलेगा. ये चोचले करने से अच्छा है कि आप लोग नहा लीजिए. बट यहाँ पर ये इफेक्ट देखो कितना वियर्ड सा आ रहा है. छी, कितना गंदा ब्लैक टैन पूरा दिख रहा है मुझे. ये टिश्यू के ऊपर चिपका हुआ आपको दिख रहा है? दिख रहा है? तो इस तरीके से आपका ब्लैक टैन रिमूव करेगा. जितना भी आपको टैन स्किन है वो रिमूव करके आपको एक मस्त वाला एकदम एक आपको इफेक्ट मिलेगा आपके स्किन के ऊपर, जिसको देखने के बाद में आपको खुद को एक अलग से हैप्पी वाली फीलिंग आएगी. तो इसको इजीली आप रिमूव कर सकते हो वाटर अप्लाई करके हल्का हल्के हाथ से. एंड डेफिनेटली आपको एकदम टिश्यू आपका काला होते हुए दिखेगा, क्योंकि आपके जो फेस के ऊपर जितना भी टैन था एंड जितना भी बुरा जो भी डार्क वीक थे सारे वो सब निकलते आपको दिखेंगे. तो आपको ये ऐसा अच्छे तरीके से वॉश करना है, पूरा ऐसा निकालना है. अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं भाई ऐसे चोचले करने से अच्छा मैं काम कर लेता हूँ, मैं जाके नहा के आता हूँ और आपको फाइनल मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे दिखता हूँ नहाने के बाद में. आने के बाद में मेरी स्किन थोड़ी सी ऐसी दिख रही है. मैंने जब वॉशरूम के मिरर में देखा तो मुझे एक ऐसा फील आया कि एक परफेक्ट जो टैन का लेयर जब मुंह के ऊपर जो बना हुआ था पहले, वो क्रीम लगाने के बाद से पूरा निकल गया है. फाइनली मेरी स्किन थोड़ी सी एनरिच होते हुए मुझे दिखी है. आई डोंट फील दैट मच ऑफ दी डिफरेंस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से एक या दो दिन वेट करने के बाद में मुझे उस स्किन के ऊपर मेरा एक अलग सा लेयर दिखाई देगा, जो टैन रिमूव होने के बाद में एक अलग सा एक एनलाइटमेंट आ रहा है स्किन के ऊपर, वो मुझे उसके बाद में दिखाई देगा. तो आई विल बी डेफिनेटली अपलोडिंग ऑल द ब्लॉग्स इन विच यू कैन सी द डिफरेंस. एंड फॉर द टाइम बीइंग आई एम क्विटिंग द वीडियो राइट ओवर हियर बाय जस्ट टेलिंग यू दैट अगर आपको इंस्टेंटली एक डिफरेंस देखना है आपके स्किन के फेयरनेस पे, तो आप डी टैन को डेफिनेटली यूज़ करिए. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. आप आपके उस वाले फ्रेंड को भेजिए जो स्किन टैन से बहुत परेशान है एंड वो अपने टैन को रिमूव करना चाहते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेटली वॉचेबल वीडियो विच इज़ क्वाइट अ बिट स्मॉल एंड शॉर्टर. आप उसको सेंड करिए, आप भी लगाइए एंड मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ है. थैंक यू सो मच.